भूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है। जाधव पर फांसी के रोक के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान ने नई चाल चली है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 15 मई से सुनवाई शुरू होगी। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, इस पड़ोसी देश की चाल और चरित्र से अब हर कोई वाकिफ हो चुका है। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में भी पाकिस्तान का एक बार फिर से असली यानी दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने इस मामले में अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से लगाई गई रोक को नहीं मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने चारों खाने चित होने के बाद ये नया पैंतरा अपनाया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करने के लिए दो दिन बाद ही पूरी जानकारी दी गई थी। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मई से सुनवाई करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर केस में भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को वियना समझौते के खिलाफ बताया है। चूंकि इस मामले में पाकिस्तान का पक्ष बेहद कमजोर है, लिहाजा 15 मई से पहले ही अपनी शातिर चाल पाकिस्तान चल चुका है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने 10 अप्रैल को जाधव को जासूसी का दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार कर लिया था। अब 15 मई से नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट से मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। बेशक पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन जीत हमेशा सच यानी हिंदुस्तान की ही होगी। कुलभूषण जाधव को भी उसे रिहा करना ही होगा। आज तक ब्यूरो।